फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस ये इधर से बाहर नहीं रहा था सही तरह से, जो भी लेटरल वाले मीडियल पर बताते थे, मीडियल वाले लेटर पर बताते थे कुछ लोग, तो अब मैं नहीं उसको स्पेयर करना क्योंकि वो ये अब इधर से ये रिफ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस का टेंडर है, इसके अंदर ये जो फ्लैशी मैसेज है ना ये लम्बरिकल नहीं कैसे ये लम्बरिकल, चार लम्बरिकल होते हैं टेंडन के दरमियान में, ये जो येलो नज़र आ रहा है और वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया उसका कल उसका शेडो और दिया हुआ, ये जो ग्लिसनिंग जो चमकते हुए टेंडन नज़र आ रहे हैं ना ये फ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस के, इनके बीच में ये जो मसल फाइबर है ना ये लम्बरिकल है, ठीक है, फ्लेक्सर एलिसियस लॉन्गस फ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस, और एक ये नीचे मसल है इसको कहेंगे क्वाड्रेटस प्लांटी, ये वाला उसमें भी मसल फाइबर नज़र आने चाहिए, ये जो नीचे ये मेरे ये टिप के साथ है ना ये क्वाड्रेटस प्लांटी या फ्लेक्सर इटोरम एसेसोरियस, ये वाला वहाँ पे पिंक दिखाया मैंने मसल फाइबर नज़र आ रहे हैं, ये फ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस है और इसके अंदर लम्बरिकल, ये दो सेकंड लेयर होगी, सेकंड लेयर फिर सुने फ्लेक्सर एलिसियस लॉन्गस फ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस उसके टेंडन के अंदर पड़े हुए लम्बरिकल, और चौथा ये हो गया फ्लेक्सर इटोरम एसेसोरियस आर क्वाड्रेटस प्लांटी, ये दो लेयर तो बड़ी क्लियर नज़र आएंगी, उसके बाद मैंने थर्ड और फोर्थ लेयर वहाँ दिखाएंगे, ये इस पे नर्व्स हैं मीडियल और लेटर प्लांटर आर्टरी, ये जो है यहाँ पे आके ये बन जाती है, ये पोस्टिटिबल आर्टरी है, यहाँ से जब ये पॉसन हो गई तो ये डिवाइड होगी मीडियल और लेटर प्लांटर आर्टरीज में, ये गई है मीडियल प्लांटर आर्टरी और ये गई है लेटर प्लांटर आर्टरी, ये टिबियल आर्टरी है पोस्टिटिबल आर्टरी, ये टिबियल नर्व है, टिबियल नर्व इज डिवाइडिंग इनटू मीडियल एंड लेटर प्लांटर नर्व्स, ठीक हो गया, मीडियल एंड लेटर प्लांटर नर्व, इसमें ये होता है कि जो सोल ऑफ द फुट है उसमें 3.5 इसकी सप्लाई है मीडियल प्लांटर नर्व और 1.5 की सप्लाई है लेटर प्लांटर नर्व, इसी तरह ये हैंड में होता है यहाँ पे होती है मीडियल नर्व 3.5 और इधर होती है अल्ना नर्व, लेकिन वो कंपैरिजन के लिए यहाँ आपने यही याद रखना कि इसकी जो सोल की सप्लाई है उसमें 3.5 डिजिट्स जो हैं वो मीडियल प्लांटर नर्व से सप्लाई होती हैं और बाकी ये जो 1.5 है एक लीटर और ये हाफ ये लेटर प्लांटर नर्व से सप्लाई होती है, ये उसकी ब्रांचेज चलेंगी, उसके बाद इसमें जो नीचे स्पार्ट्स हैं वो हम उधर लगा सकते हैं, यहाँ पे इस टेंडन को अगर काट दें नीचे तो फिर आपको नीचे वाली लेयर नज़र आएंगी जिसमें फ्लेक्सर एलिसियस ब्रेवस तो ये टेंडन बनता है, ये लॉन्गस है तो ये ब्रेवस के टेंडन में मैंने ये दो सेसामाइड बोन दिखाए, ये फील करके देखो एक ये और एक ये, ये मीडियल है दिस इज द लार्जर वन एंड दिस इज द स्मॉलर दिस इज द लेटरल वन, ठीक है ना, ये सेसामाइड बोन है और ये सेसामाइड, अब इसको शो करने के लिए हमने फ्लेक्सर एलिसियस ब्रेवस के टेंडन को सेपरेट कर दिया जी, ये इसके अंदर थी ना ये लॉन्गस है ब्रेवस के टेंडन में ये सेसामाइड बोन है और ये आपको यहाँ सामने नजर ये हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल, ठीक हो गया, ये एलिसियस लॉन्गस ये यहाँ से भी देखते हैं अगर आप ये अगर मेरे से कहें तो ये पुल होता है, ये पुली सस्टेंटिक्रम टैली के नीचे से जा रहे हैं, ठीक है ना, अब इसका पूरा क्या पूरा फ्रॉम द ओरिजिन टू द इंसर्शन, और दूसरा है अब इन्होंने इनको आपने लेयर्स में यहाँ लेयर्स में बताना है, जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पूछते हैं तो वहाँ लेयर नहीं बतानी, वहाँ ये लेयर बतानी है सुपरफिशियल कंपार्टमेंट और डीप कंपार्टमेंट, और ये मैंने कल देखा है कि ये आपकी अभी तक ओरिएंटेशन पूरी सही नहीं थी, टिबियलस पोस्टीरियर द फर्स्ट टेंडन ऑन द मीडियल वैल्यूलस फ्लेक्सर इटोरम लॉन्गस पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अलॉन्ग विद इट्स वीना कमिटेंट्स ये देन टिबियल नर्व एंड एट द एंड दिस इज फ्लेक्सर एलिसियस लॉन्गस, ये इसकी ये सीक्वेंस इस तरह बतानी है और ये आप फ्रॉम द ओरिजिन अप टू इंसर्शन, ये आपको सारे चीज़ें इसमें यहाँ देख सकते हैं, दो लेयर्स हो गई, तीसरी लेयर में एक होगा फ्लेक्सर एलिसियस ब्रेवस, एक होगा इसके नीचे ये फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी ब्रेवस, और इसको कट करेंगे तो नीचे हमें नज़र आएगा, इसको सारे कट करने पड़ेंगे फिर नज़र आएगा वो एडक्टर हेलुसिस, उसका एक ओब्लीक हेड और एक ट्रांसफर्स हेड, ये थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर में इंट्राशियाई हैं और दो मसल हैं, एक ये टिबियलस पोस्टीरियर ये जा रहा है
और इधर से ये जा रहा है पुराने सिलेंडर, उसके लिए हमें फिर ये सारे मसल की लेयर ऊपर से उतारनी पड़ेगी। इनको कट करेंगे तो नीचे देखेंगे, लेकिन हम फिलहाल आपको यहाँ इसी तरह इसको बताना चाहेंगे कि दो लेयर आपको पूरी कंप्लीट नज़र आ रही है। फ्लेक्सर थर्ड लेयर ये पड़ा हुआ है, एबडक्टर डीजीटी फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी ब्रेवस थर्ड लेयर का मसल ये पड़ा हुआ है। इनको सबको कट कर दें तो इसके नीचे पड़ा हुआ है एडक्टर हेलिसेस, ये थर्ड लेयर हुई। फोर्थ लेयर उसमें टिबियलस पोस्टीरियर का टेंडन, फेरोनियस लॉन्गस का टेंडन और इंट्राशियाई हैं, फोर डार्सल और थ्री प्लांटर, ये हुए मसल लेयर ऑफ द सोल ऑफ द फुट। इसको पहले आपने नाम याद करने हैं, फिर इनकी मेन अटैचमेंट पे ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इनका रोल, फिर इनके बाद मीडियल लेटर लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च लेटर लॉन्गिट्यूडिनल आर्च वो कैसे बनती हैं, उनके सारा पूरा फुल क्वेश्चन है। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का अलहदा क्वेश्चन है, लेटर लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का अलहदा क्वेश्चन है। एक वेस्कुलर आर्च इन द सोल ऑफ द फुट दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल प्लांटर आर्टरी एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द डार्सल स्पीडस आर्टरी फ्रॉम द डार्सम ऑफ द फुट। लेटरल प्लांटर आर्टरी फॉर्म्स ए वेस्कुलर आर्च इन द सोल ऑफ द फुट। इन द हैंड देयर आर द टू आर्चेस, वन इज द सुपरफिशियल पामर आर्च एंड वन इज द डीप पामर आर्च, बट इन द फुट देयर इज ओनली वन वेस्कुलर आर्च दैट इज कॉल्ड द प्लांटर आर्च दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल प्लांटर आर्टरी एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड बाई द डार्सल स्पीडस आर्टरी। तो वो आपको वो आर्च दैट इज ए सेपरेट एंटिटी। मीडियल